सो हे गाइज, वेलकम बैक क्रिप्टो लवर फॉरएवर। एंड आज के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे XEN क्रिप्टो, जेन क्रिप्टो के बारे में। जी हाँ गाइज, क्योंकि इसकी जो इस समय काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड बढ़ चुकी है, तो आज का वीडियो जेन क्रिप्टो के ऊपर होगा। एंड आज के वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे जेन क्रिप्टो के जो है प्राइस डाउन क्यों जा रहा है उसके विषय में, एंड जेन क्रिप्टो का जो प्लस एंड माइनस पॉइंट को भी कवर करने वाले हैं, एंड इसके जो है प्राइस को हम कब तक रिकवरी देख सकते हैं तो उसको भी कवर करेंगे, एंड इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन भी करेंगे कि हमें जो इसके प्राइस कहाँ तक देखने को मिल सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा कि इसको जो है बाई करना अभी के लिए सही है या नहीं, एंड सिक्स्थ में इसको बाई करें तो कहां से हम बाई करें। सो वीडियो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं आपके लिए, एंड वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा जेन क्वाइन के लिए, तो आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि इसी प्रकार की हर क्रिप्टो से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। सो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक से, तो लेट्स गो। तो हम स्टार्ट करेंगे जेन क्रिप्टो के ऑफिशियल क्वाइन मार्केट कैप के क्वाइन के ऊपर से, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जेन क्रिप्टो है क्या एंड ये कैसे वर्क करता है। सो जो लोग यह जानते हैं कि जेन क्रिप्टो क्या है एंड यह कैसे वर्क करता है तो वो लोग वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, जो नए लोग हैं उसे जो है ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेन क्रिप्टो एक जो है मिंटिंग प्रोग्राम प्लेटफॉर्म है, एंड यहाँ पे जो है जैसे इसको जो है पूरी तरीके से कम्युनिटी कंट्रोल करती है, ना कि इसमें किसी एडमिन का वर्क होता है। सो यहाँ पे जो होता है कि इस प्रोजेक्ट को जो है ना पूरी तरीके से इनकी जो कम्युनिटी है वही कम्युनिटी जो है इसको जो है पूरी तरीके से अप एंड डाउन पे वर्क करती है। अगर कम्युनिटी चाहे तो इसके प्राइस में हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, एंड अगर कम्युनिटी चाहे तो इसका प्राइस हमें जो है डाउन होता हुआ जाएगा। सो कम्युनिटी कभी नहीं चाहेगी कि कोई क्वाइन डाउन जाए, बट कम्युनिटी ऐसा चाहेगी कि उसकी वजह से हमें प्राइस डाउन देखने को मिल जाता है। सो क्या है वो भी हम जानेंगे। तो उससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि मिंटिंग क्या होता है। तो मिंटिंग एक या प्रोजेक्ट है कि मिंटिंग के अंदर जो है आपको क्या करने को मिलता है कि आप जो है काफी जो माइनिंग करते हैं उसी को हम लोग मिंट कहते हैं, बट यहाँ पे मिंटिंग ऐसा प्रोग्रेस रखा गया है कि आप जितनी ज्यादा मिंटिंग करते जाएंगे उतनी ज्यादा इस प्रोजेक्ट की सप्लाई इंक्रीज होती चली जाएगी। सो यहाँ पे जो है इसी को यहाँ पे मिंटिंग का वर्क दिया गया, बट यहाँ पे जो इसको बर्निंग के लेकर भी मैकेनिज्म लाए गए हैं, लेकिन अभी के लिए जो प्राइस डाउन क्यों जा रहा है तो सबसे पहला मेजर पॉइंट हमारा ये रहने वाला है, सो हम उसको जो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनकी जो है XEN Turbo.io डैशबोर्ड के ऊपर। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं, एंड यहाँ पे आपको जो हम टोटल सप्लाई दिखा देते हैं, आपको देख सकते हैं आप देख सकते हैं आप। एंड यहाँ पे अगर हम लिक्विडिटी सप्लाई की बात करें ना, तो लिक्विडिटी सप्लाई यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 9,175 बिलियन के अराउंड। जी हाँ गाइस, जो कि काफी ज्यादा देखने को मिला है। एंड अगर मैं कल का एक वीडियो आपको मैंने इसी चैनल पे पोस्ट किया था XEN क्रिप्टो का ही, एंड उस क्रिप्टो वीडियो के अंदर जो है ना आपको मैंने यही सप्लाई दिखाई थी, जो कि थी यही सप्लाई यहाँ पे जो है 8,973 बिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि वन डेज यानी 24 आवर्स के अंदर जो हमें यहाँ पे इसकी सप्लाई में कितनी ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिली, एंड यही कारण है कि हमें यहाँ पे जो इसका प्राइस डाउन होते हुए दिख रहा है, एंड 21% की जो हमें डाउनफॉल देखने को मिल गई। एंड यहाँ पे मैं एक बात और बताऊँ कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं ना, तो इनकी ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप समझ जान जाएंगे कि यहाँ पे कितनी मिंटिंग हो रही है एंड कैसा क्या मैकेनिज्म है इनकी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको टोटल मिलने वाला है। सो आप यहाँ पे लिक्विडिटी पूल वगैरह देख सकते हैं। तो अगर हम टोटल बर्निंग की बात करें तो यहाँ पे जो है 30.42% की जो है इसकी टोटल बर्निंग हो चुकी है सप्लाई, जो कि यहाँ पे जो है कल इसकी बर्निंग थी वो थी 30.44%, जो कि थोड़ा सा डाउन हो चुकी है एंड क्योंकि सप्लाई में हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है इनका जो स्टेक, तो स्टेक में यहाँ पे 99.63% देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे कल था 10.3%। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा देखने को मिला इंक्रीज की डाउन हो चुका है स्टेक्स में, एंड क्योंकि सप्लाई हमें जो है इंक्रीज होती हुई दिखी। एंड यहाँ पे अगर हम पेनाल्टीज की बात करें तो पेनाल्टीज में यहाँ पे 2.26 देखने को मिला, जो कि यहाँ पे 2.727 था यहाँ पे कल। एंड यहाँ पे अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी हमारी जो यहाँ पे 57.69% है, जो कि यहाँ पे कल 57.65% थी। तो यहाँ पे जो है कल की डेट में मैं बताऊँ तो यहाँ पे जो है सप्लाई में आपको कोई बर्निंग देखने को नहीं मिली, एंड सप्लाई आपको इंक्रीज होती हुई दिखी, जिसके कारण से हमें इसके अंदर जो है डाउनफॉल देखने को मिला। सो पहला कारण यह है कि यहाँ पे जो सप्लाई इंक्रीज होने के कारण हमें इसकी डाउन देखने को मिली। एंड दूसरी जो हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो टॉपिक था कि इसके जो है प्लस एंड माइनस पॉइंट को तो हम लास्ट में कवर करेंगे, एंड इसका प्राइस रिकवरी कब करेगा। तो मैं आपको रिकवरी के लिए बता देता हूँ कि इसका प्राइस रिकवरी तब करेगा जब यहाँ पे जो है मिंटिंग आपको कम देखने को मिलेगी एंड इसका प्राइस जो है बर्निंग ज्यादा देखने को मिलेगा, तभी हमें जो है
के अंदर जो है अच्छा एक प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि अभी हमें हाल में जो कुछ टाइम पहले देखने को मिला था। एंड अगर हम यहाँ पे इसके चार्ट में लास्ट वन मंथ का चार्ट लगा देते हैं ना, तो वन मंथ के चार्ट के अंदर जो है हमें इसके प्राइस में जो है काफी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला एंड यहाँ से जो काफी हद तक के प्रॉफिट यहाँ से बुक किए गए। बट अगर हम यही चार्ट को लास्ट 7 डेज के अंदर कर देते हैं, तो लास्ट 7 डेज के अंदर यही इसी चार्ट में हमें जो काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। सो ये कारण यही था कि यहाँ पे जो है इसकी जब बर्निंग मैकेनिज्म लाया गया, सो इसकी बर्निंग जो है काफी अच्छी तरीके से हुई, तो जिसके कारण से हमें इसके प्राइस में पंप बाई पंप देखने को मिला एंड लगातार जो है हमें अच्छा पंप देखने को मिला एंड पेमेंट यहाँ से 8-9x तक का भी हो गया। बट यहाँ पे जो पेमेंट आपको एक रिकवरी फॉल दिखा चुका है, लेकिन एंड इसके पहले अगर बात करूँ तो इसको प्राइस जो है 0.45 होता था, यानी 45 पैसे के अराउंड, एंड उससे जो है हमें काफी ज्यादा डाउन देखने को मिला था। एंड यहाँ पे जिसने इसमें पेमेंट लगाया था जो काफी ज्यादा इसको लॉस मिल चुका था, बट यहाँ से जो है हमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने को मिला एंड प्राइस में काफी अच्छा पंप देखने को मिला था वन मंथ पहले, जो कि अभी फिर से डाउन देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे बात तो ये हुई कि इसका जो है प्राइस कब रिकवर करेगा। सो भैया जब इसकी जो है आपको देखने को मिलेगी कि इसकी बर्निंग ज्यादा हो चुकी है यहाँ पे एंड आपका जो ये इंक्रीजमेंट यानी कि मिंटिंग है वो कम हो पाई है, सो आपको इसके अंदर जो है एक अच्छा जो है पंप देखने को मिल जाएगा। सो अभी यहाँ पे जो अगर हम थर्ड अपना जो है टॉपिक की बात करें तो वो था कि इसका प्राइस प्रेडिक्शन। तो हम इसके प्राइस प्रेडिक्शन की भी आपको बता देते हैं कि इसका प्राइस प्रेडिक्शन तो कम्युनिटी के हाथ में है, अगर कम्युनिटी चाहे तो इसको जो है प्राइस को काफी ज्यादा अप कर सकती है एंड चाहे तो काफी ज्यादा डाउन भी जा सकता है। सो यहाँ पे जो है पूरी तरीके से इसको जो है कम्युनिटी कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि कोई इनका CEO ना ही कोई MD कंट्रोल कर रहा है, बट उनके जो होते हैं थोड़ा सा सिस्टम को मैनेज करने के लिए होते हैं, बट यहाँ पे जो पूरी तरीके से कंट्रोल बाई कम्युनिटी है, तो यहाँ पे जो इसको पूरा कम्युनिटी के हाथ में ही कंट्रोलिंग सिस्टम इसका है। एंड यहाँ पे हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसको जो टोटल मिंटिंग होनी है वो होनी है 319 ट्रिलियन की, एंड अभी जो है 100 ट्रिलियन की इसकी मिंटिंग होके जो है इतनी बर्निंग भी हो चुकी है। सो यहाँ पे जब इसकी जो पूरी मिंटिंग हो जाएगी एंड उसके बाद बर्निंग होगी, तब हमें इसके अंदर एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है एंड वहां से एक हमें अच्छी जो है रिकवरी देखने को मिलेगी इस कॉइन के अंदर। बट अभी के लिए जितना ज्यादा यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है, उतना ही डाउन देखने को मिल जाता है। सो इसके अंदर जो है इन्वेस्ट करना, खुद की रिसर्च करना भी जरूरी है एंड थोड़ा ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप समझिए जब इसकी जो मिंटिंग होकर हमें जो कॉइन फ्री में मिल रहा है, गेट करने को मिल रहा है, तो उसको जो है कोई बंदा पैसे देके क्यों मिंट करना, पैसे देके क्यों बाई करना चाहेगा। सो इसी कारण से इसकी जो है बाइंग जोन काफी कम है एंड इसकी मिंटिंग जोन काफी ज्यादा है। सो इसी कारण से जो है इसके प्राइस में हमें जो है डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। सो अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कि अभी के लिए इसको बाई करना सही है या नहीं। तो फिर अभी के लिए बात करूं मैं, तो इस समय जो है 7 डेज के हिसाब से जो है इसमें काफी ज्यादा डाउन देखने को मिला। 4.07049 की सीरीज से जो हमें 4.033 की सीरीज पे देखने को मिला। सो प्राइस के अंदर तो हमें काफी ज्यादा डाउन देखने को मिला, बट अगर इसकी जो है मिंटिंग होती रही एंड सप्लाई पे मतलब बर्निंग ना हो पाई, तो इसमें हमें और भी डाउन देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे जो है आप इनकी वेबसाइट को थोड़ा सा रन कीजिए, देखिए एक दो दिन का मैकेनिज्म समझिए एंड अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो है बर्निंग से ज्यादा आपको मिंटिंग देखने को मिल रही है, सो आप सिंपली से इसमें थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ये कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, सो यहाँ पे अपनी रिसर्च को एक बार खुद जरूर कीजिएगा। एंड अगर मैं और एक आपको टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक की बात बताऊं, सो अभी जो हमें एक आपको और इसके जो है कुछ एंड प्लस एंड माइनस पॉइंट भी बताने वाला हूं। सो पहला जो इसका प्लस पॉइंट है, तो पहले प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो है ब्लॉकचेन सपोर्ट, तो इसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो वेबसाइट है यानी कि यह प्रोजेक्ट जो है 12 ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया है। सो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड इथेरियम BSC पॉलीगन मैटिक लॉन्च है, इथेरियम POW करके बाई काफी ज्यादा ये जो है ब्लॉकचेन को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। इसकी जो खुद की ब्लॉकचेन है X1 डेवनेट की, इसकी जो खुद की ब्लॉकचेन है, तो यहाँ पे आपको जो है काफी ज्यादा ब्लॉकचेन के ऊपर ये रन करता हुआ दिखा। एंड अगर हम इसकी जो है बात करें, तो सेकंड जो यूनिक बात इसको यूनिक बनाती है कि इसका जो खुद की ब्लॉकचेन है काफी ज्यादा यूनिक है एंड काफी अच्छा वर्क कर रही है। सो यहाँ पे जो इसकी सेकंड टॉपिक तो मतलब सेकंड यूनिक की बात करूँ जो है, तो यही थी। एंड थर्ड प्लस पॉइंट की बात करूँ, तो यह एक कह सकते हैं EVM कॉम्पिटिबल कॉइन है, जो वेबसाइट यानी कॉइन है जो कि EVM के कॉम्पिटिबल पे वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे अगर फोर्थ यूनिक बात है यानी प्लस पॉइंट की बात करें, तो जो है कि ये एक स्केल विथ इथेरियम मशीन की तरीके वर्क कर रहा है, यानी कि इसका जो एक्सियन कनाइट प्रोजेक्ट है, जो कि एक्सियन का जो प्रोजेक्ट है ना, ये सेम बिटकॉइन
बिटकॉइन के जो है रूल्स को फॉलो अप करके वर्क कर रहा है। एंड माइनिंग के प्रोजेक्ट की बात करें तो सिर्फ एक ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था जो कि कोर डाओ था, जो कि इथेरियम यानी बिटकॉइन के रूल्स को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा था। एंड दूसरा प्रोजेक्ट हमें जो है XEN क्रिप्टो देखने को मिल रहा है, जो कि पूरा बिटकॉइन के रूल्स को फॉलो कर रहा है, जो कि इथेरियम EVM कॉम्पिटेबल को जो है यानी मैकेनिज्म को वर्क करता है। सो यहाँ पे बोला जा सकता है कि यहाँ पे कि इसकी जो हमें आने वाले समय पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बट अभी इसके अंदर इतना जो है फास्टली देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड इसमें जो हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा तभी हमें इसके अंदर जो है काफी अच्छी जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो है कह सकते हैं सेम इथेरियम वर्चुअल मशीन यानी मैकेनिज्म के इस्तेमाल पे वर्क कर रहा है। सो प्रोजेक्ट में यही जो कुछ खासियत थी। एंड अगर हम इसके जो है सिक्योरिटी स्कोर की बर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे जो है इसका बर्निंग प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पे जो है इसको जो है कई सारे तरीकों से इसकी बर्निंग की जा रही है। सो इसी कारण से हमें हाल ही में XEN क्रिप्टो के अंदर जो है काफी अच्छा जो है पंप भी देखने को मिला था, जो कि अभी जो है डाउनफॉल के अंदर बदल चुका है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई इंक्रीज हो चुकी है एंड इसकी बर्निंग जो है डाउन हो चुकी है। सो यहाँ पे जितनी ज्यादा इसकी बर्निंग होती जाएगी उतनी जल्दी हमें इसके प्रोफाइल मतलब प्राइस में फिर से रिकवरी देखने को मिलेगी एंड यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट फिर से गेट किया जाएगा। सो अभी हम बात करते हैं इसके कुछ माइनस पॉइंट की, जो कि सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो इसकी सप्लाई ही है आजी गाइस, क्योंकि सप्लाई जब इसकी बढ़ती जाएगी सो यहाँ पे हमें जो इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिलता रहेगा। एंड सेकंड जो कि यहाँ पे प्लस पॉइंट में था वही है माइनस में कि बर्निंग, आप सप्लाई पे फोकस न करते हुए जब बर्निंग पे कम्युनिटी ज्यादा फोकस करेगी तभी हमें इसके प्राइस में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड थर्ड एंड सबसे लॉजिक जो है अपडेट जिसमें थोड़ा सा हमें भी सोचना पड़ा कि यहाँ पे ये आपको एक मेजर पॉइंट यानी कि जो है आपको माइनस पॉइंट इसके अंदर देखने को मिल सकता है, वो यह है कि इसकी लिक्विडिटी, आप समझ सकते हैं कि इसकी लिक्विडिटी कितनी ज्यादा। एंड अगर यहाँ पे अगर हमारे पास इसके 2 करोड़ पीस भी है, समथिंग 2 करोड़ पीस भी है इसके, एंड अगर इसकी जो प्राइस 1 रुपए चली जाती है तो यहाँ पे हम जिस एक्सचेंज के साथ इसको जो हम विड्रॉल या सेल आउट करेंगे तो इस एक्सचेंज के पास इतनी जो है लिक्विडिटी होनी चाहिए। एंड अगर उतनी लिक्विडिटी यानी फंड उसके पास नहीं है तो हम इसे समय पे सेल आउट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी कॉइन की प्राइस तो बढ़ जाएगी बट उस एक्सचेंज की लिक्विडिटी अगर कम है तो हम वहां पे जैसे ही सेल आउट करेंगे तो हमें हमारा जो प्राइस है वो नहीं मिल पाएगा अगर आप एक्सचेंज के थ्रू बाई अप करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें उस एक्सचेंज की उतनी लिक्विडिटी ही नहीं होगी सेंट्रलाइज एक्सचेंज की, तो हम उसे जो है सेल आउट कैसे कर पाएंगे। तो यही हमें एक जो है माइनस पॉइंट लगता है इसके अंदर, जो कि आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। एंड हम बात करें रिकमेंडेड करें तो जो है इसको जो है अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो आप इसको जो है इंडियन एक्सचेंज है सन क्रिप्टो के अंदर आप इसको बाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। सो आप सन क्रिप्टो को जो है अपने मतलब पोर्टफोलियो में इसको जो है ऐड कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं तो अगर आप डिसेंट्रलाइज की तरफ बढ़े तो आप डिसेंट्रलाइज के अंदर इसको बाई कर सकते हैं, जहां पे आपको जो काफी ज्यादा प्रिफेयर रहेंगे एंड आपको जो है कोई भी रिस्क लेने की जो जरूरत नहीं रहेगी, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे आपको अच्छा प्राइस देखने को मिलेगा, क्योंकि हाल ही की बात करें तो इसमें अभी हमें काफी ज्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम इसके नेटिव प्रोजेक्ट की बात करें जो कि DBXEN है, जो कि उसमें भी हमें काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। यही प्रोजेक्ट जो हमें 7 डेज के अराउंड देखने को बताऊं तो 7 डेज के अंदर हमें काफी ज्यादा इसके अंदर पंप देखने को मिल रहा था, लगभग 6,000 रुपए का जो प्रोजेक्ट था वो आज हमें जो 2,000 के अराउंड देखने को मिल रहा है। सो प्राइस में काफी ज्यादा इसके अंदर हमें डाउन देखने को मिल रहा है। एंड ये DBXEN की अगर सप्लाई की बात करें तो लगभग 5 लाख की इसकी सप्लाई है। सो यहाँ पे जो है आप समझ सकते हैं 50 लाख की सप्लाई है इसकी मैक्सिमम नहीं टोटल। सो यहाँ पे जो है आप लोग इसको जो बाई भी नहीं कर सकते हैं, इसको बाई करने के लिए इन्होंने मैकेनिज्म काफी अच्छा रखा है कि अगर आप DBXEN कॉइन को बाई करना चाहते हैं तो आप बाई नहीं करेंगे, आपको XEN क्रिप्टो को बर्न करना पड़ेगा तभी आपको यहाँ पे जो DBXEN कॉइन मिलने वाला है। सो इनको इन्होंने जो है सिस्टम काफी अच्छी तरीके से बनाया है, बट अभी जो है प्राइस में डाउन जा रहा है। इसका जो थर्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो जो है एलॉन मस्क, जी हाँ गाइस, ये भी आपको जो है काफी ज्यादा डाउनफॉल पे देखने को मिल रहा है। सो इनकी जो है प्रोजेक्ट के अंदर अभी हमें काफी डाउन देखने को मिल रहा है। सो आप इसको जो है थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ये कोई फाइनेंशियल की एडवाइस नहीं है। आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च एक बार जरूर करें एंड बाई करने से पहले ये जरूर देखें कि बर्निंग ज्यादा है कि लिक्विडिटी ज्यादा हो रही है। अगर बर्निंग ज्यादा होने लगे
लगी है एंड प्राइस में इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। सो आप इसमें थोड़ा सा जो है अपना प्रॉफिट के लिए जो है थोड़ा सा गेट कर सकते हैं, बट अभी के लिए तो कुछ नहीं, अभी आप देखें एंड इसके विषय में समझें। जैसे इनके जो कुछ नई ट्वीट्स आती हैं इनके सीईओ की तरफ से आती हैं तभी आप इसके अंदर बाइक बनाइएगा। एंड अगर हम बात करें स्क्रॉल डाउन करके तो ये इनके जो है जो सीईओ बोल सकते हैं जैक लेविन, उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से हमें बताया था कि यहाँ पे जो है एक लोग हैं जिन्होंने $124 का जो है एक्सीएन कॉइन को बाय किया एंड उनकी नेटवर्थ आज जो हो चुकी है आप समझ सकते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख लगभग $4 लाख के अराउंड जो उनकी नेटवर्क यानी 32x बन चुकी है इन बियर मार्केट। तो आप समझ सकते हैं एंड ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, ये एक से प्रोजेक्ट के विषय में टोटली रिवील किया गया है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि इसी प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, तब तक जय हिंद।